हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका। IFL Enterprises Limited दोस्तों, ये एक पेनी स्टॉक है। इस कंपनी ने जो बोनस का अनाउंसमेंट किया था उसकी रिकॉर्डेड सामने आ चुकी है। दोस्तों, इस कंपनी की लिस्टिंग शेयर मार्केट में मार्च 2017 में हुई थी और ये शेयर 57 पैसे पर लिस्ट हुआ था। आज के डेट में दोस्तों, ये शेयर मार्केट में 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा और दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 94 करोड़ रुपए का है। दोस्तों, 2017 से लेकर आज के डेट तक यानी पिछले 6 सालों में कंपनी का ये तीसरा बोनस इश्यू है। पहला बोनस दोस्तों कंपनी ने जो दिया था उसका रेशियो 1:1 था और उसकी एक्स डेट 21 सितंबर 2022 थी। वही दोस्तों, जो कंपनी ने दूसरा बोनस दिया था उसका रेशियो 1:4 था और उसकी एक्स डेट 21 अप्रैल 2023 थी। और 21 अप्रैल 2023 के ही दिन कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी किया था जिसका रेशियो 1:10 था। मतलब दोस्तों, जिसके पास 2017 में इस कंपनी के 10 शेयर थे, आज के डेट में उसके पास कंपनी के 250 शेयर है। अब जो दोस्तों कंपनी ने तीसरे बोनस का अनाउंसमेंट किया था, पहला अनाउंसमेंट किया था कंपनी ने 16 अक्टूबर 2023 को, फिर इसकी क्लेरिफिकेशन कंपनी ने दी थी दोस्तों 1 नवंबर 2023 को, लेकिन उनमें जो रेशियो डिक्लेयर किया गया था वो था 1:5, यानी 5 शेयर पे आपको कंपनी की तरफ से एक और बोनस शेयर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कंपनी ने जो शेयर बाजार को जानकारी दी मंडे को 4 दिसंबर को, उसमें तो इसकी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर दी गई है जो 18 दिसंबर 2023 की रखी गई है, लेकिन जो दोस्तों जो बोनस रेशियो है वो यहां पर 1:10 है, लेकिन अब आपको 10 शेयर पर कंपनी की तरफ से एक और शेयर मिलेगा। वही दोस्तों, अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 2017 में जिसने इस शेयर को लिया था, क्योंकि उस वक्त 1 रुपए से कम के दाम पर यह शेयर मिल रहा था, तो उन लोगों ने 2017 से लेकर आज के डेट तक 422% के रिटर्न्स बना लिए। वही दोस्तों, जिन लोगों ने इस शेयर को एक साल पहले लिया, एक साल पहले यानी पिछले दिसंबर 2022 में, तो उस वक्त ये शेयर 10 रुपए से ऊपर मिल रहा था और दोस्तों वो लोग इस वक्त 60% लॉस में चल रहे हैं। खासकर दोस्तों, जिन लोगों ने इस शेयर को एक महीना पहले लिया था और वो लोग भी इस वक्त 40% लॉस में चल रहे हैं। वही दोस्तों, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी की जो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है कंपनी का, उसमें हिस्सेदारी 98% तकरीबन रिटेल इन्वेस्टर्स की है। और वही दोस्तों, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सिर्फ 1% के करीब है। और दोस्तों, इस वक्त कंपनी का शेयर मार्केट में 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी के शेयरों का 52 वीक्स का अगर हम हाई देखें तो 16.90 रुपए है। वही 52 वीक्स का लो दोस्तों 3.94 रुपए है, जो कि आज के दिन चल रहा है, यानी ये शेयर 52 वीक्स के लो पे इस वक्त खड़ा है। तो दोस्तों, मेरी इसमें यही ख्वाहिश रहेगी कि अगर आप बोनस की वजह से इस कंपनी में एंट्री करना चाहते हो तो जो कैपिटल है आपका वो लिमिट का ही लगा लेना, 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर निकल जाता है तो 10-12 रुपए पे चला जाता है यहां से, तो आपके 10,000 के 30,000 भी बन सकते हैं। हो सकता नहीं निकला तो कहीं ना कहीं आप इस कंपनी के बीच में फंसे रहेंगे। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, खुदा।